सत श्री अकाल सारों की हालचाल। मैं रंजीत सिंह और फिर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में बात करेंगे जी सीरीआई कॉलेज और मैट्रिक्स कॉलेज के बारे में। तो उनको जो मैंने कॉल करी और जो जो उनका रिस्पांस आया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर ले और लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियोज कैसी लग रही हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड या किसी और कॉलेज या और किसी चीज़ के रिलेटेड तो मुझे डीएम या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो अब हम करते हैं जी वीडियो स्टार्ट। सो हियर वी गो। सो सबसे पहले बात करते हैं जी सीडीआई कॉलेज के। तो जैसे मैंने सीडीआई कॉलेज को फ़ोन करा तो उनसे मेरी बात हुई। तो उनसे मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा कि क्या रीज़न है पीपीआर जो लेट हो रही है, स्टूडेंट्स की अभी तक नहीं आ रहे हैं वीज़ा, तो क्या रीज़न है। तो उनसे मैंने ये पूछा है कि सीएक्यू सस्पेंशन लिस्ट करके तो नहीं ये मतलब डिले हो रहा है। तो उन्होंने इस चीज़ को मना करते हुए मुझे ये बोला है कि सीएक्यू वाला कोई सीन नहीं है और यहाँ पे कोई डिफरेंट इशू है जो कि है स्टडी परमिट। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया उस चीज़ के बारे में। तो उन्होंने बताया कि जो स्टडी परमिट का इशू है वो एम्बेसी के साथ चल रहा है, तो जैसे वो क्लियर आउट होता है तो उसके बाद जो पीपीआर या वीज़ाज आएंगे स्टूडेंट को। अदरवाइज़ अभी वो इशू चल ही रहा है, आई थिंक वो 31 मार्च तक चलेगा, देन उसके बाद फिनिश होगा। तो उन्होंने मुझे क्लियरली नहीं बताया कि कब तक वो फिनिश होगा। तो एक आइडिया सा दिया मुझे कि वो हो सकता है 31 मार्च के आसपास। अदरवाइज़ उन्होंने मुझे कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं दिया और ना ही मुझे स्टडी परमिट के इशू के बारे में ज़्यादा उन्होंने कुछ बताया, बिकॉज़ उनको अथॉरिटी नहीं होगी आई थिंक। तो उन्होंने सिर्फ मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी कि सीएक्यू का कोई लाइक इशू नहीं है यहाँ पे और कोई इश्यूज चल रहे हैं। तो जैसे वो क्लियर होते हैं तो स्टूडेंट्स को पीपीआर और वीज़ाज आएंगे। तो उन्होंने यही चीज़ बोली, आप अपना डेफर करा सकते हैं या फिर आप वेट कर सकते हैं, इट ऑल अप टू यू कि आपने क्या करना है। तो ये चीज़ उन्होंने मुझे बताई। तो ये थी सीरीआई कॉलेज की। तो अब बात करते हैं जी मैट्रिक्स कॉलेज की। तो मैट्रिक्स कॉलेज को जब मैंने फ़ोन करा तो उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। मैंने कल भी किया, आज भी किया, तो अब तक कोई भी ऐसी कॉल उन्होंने पिक नहीं करी। आई डोंट नो कि क्या है, तो अभी तक कोई भी पिक नहीं हुई। मैंने एक मेल भी करी है उनको, जो कि मेरे फ्रेंड ने मुझे मेल करी थी, लेकिन वहाँ से भी कोई रिवर्ट नहीं आया। तो जैसे ही मैट्रिक्स कॉलेज की कोई भी रिस्पॉन्स आता है मुझे तो मैं फॉर श्योर उस पर वीडियो बना के आपको बताऊँगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ईमेल है या कुछ है जो स्टूडेंट जिन्होंने एलओए अपना मंगवाया होगा तो वहाँ पे शायद उनकी भी मेल आई हो, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप उनको मेल करें और उनसे इश्यूज पूछें। तो ये है, बिकॉज़ मेरे कॉल वो नहीं उठा रहे या फिर किसी के भी कॉल नहीं उठा रहे होंगे, बिकॉज़ तो कॉलेज का कोई सीन नहीं समझ आ रहा है क्या है। तो जैसे ही कॉल पिक करते हैं तो मैं वीडियो बना के आपको बताऊँगा, इंस्टाग्राम पर भी मैं पोस्ट कर दूंगा जैसे ही कुछ होगा। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए होगी। तो ये थी जी आज की वीडियो। आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, स्पेशली सीडीआई कॉलेज। तो मैट्रिक्स कॉलेज के लिए मैं फॉर श्योर जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगा उनसे कॉन्टैक्ट करूँगा और आपको इन्फॉर्मेशन दूँ उनकी। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्थी एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।